उत्तराखंड में काश्तकारों पर आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की दहशत बनी हुई है। आए दिन फसलों पर जानवरों के हो रहे हमलों से ग्रामीण काफी परेशान है। आपको बता दें कि आवारा पशु और जंगली जानवर मोटा अनाज, मंडुवा, झंगोरा, बाजरा और मार्चा की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पैदावार से काश्तकारों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, लेकिन किसानों की साल भर की मेहनत पर जंगली जानवर पानी फेर रहे हैं, जिसके कारण काश्तकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं काश्तकारों ने तमाम अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। बढ़िया था वहीं सो, पर जीवन चौन बाबा जीवन साफ कौन हो हाँ ता को तो जंगल में तो सर सर खाना हो सन बाबा, पर क्या कहते जीवन रखू कोई नहीं, अब तक कोई कदार भी नहीं बुआर सेना कर रहा नहीं बस ता मेरा वो तो बहुत पर क्या कहते जीवन खान सब कहते साफ तमाश को जीवन साफ कहते मुंगरी काखड़ी कोदू जंगोरू सब साफ क्या कहें खेती करिए क्या कहें जब मोले मरा से लाइन तो भी बुदड़ पोदड़ सर पीती। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय मंडुवा, झंगोरा, बाजरा और मार्चा जैसी फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। लेकिन जंगली जानवर खासकर जंगली सुअर मोटे अनाज की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन हालातों में जीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। सूचना और तकनीक के इस दौर में भी किसान खेतों की रखवाली का कोई आधुनिक और तकनीकी उपाय नहीं खोज सके। बहरहाल हताश हुए किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।